हेलो एवरीवन, मैं शिवानी रियल रिव्यू वाली। आज रिव्यू में आपके लिए लेके आ गई हूँ हैवी जंप रोप। तो चलिए इसकी पैकेजिंग ओपन करते हैं। ये हैवी स्किपिंग रोप मैंने मंगाई है अमेज़न से, और इसकी पैकेजिंग कुछ हद से ज्यादा कर दी गई है। इसको ओपन करने में काफी ज्यादा समय लगेगा, तो भाई जल्दी जल्दी ओपन करने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, पर क्या करूँ, टाइम तो लगेगा। इसमें एक ये स्लिप दे रखी है जिससे मैं ज़्यादा देखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि स्किपिंग रोप जल्दी से इस पैकेज के बाहर आए और मेरा दिल खुश हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सामने स्किपिंग रोप जब आएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। एक और स्लिप जो कि इसके पेमेंट की है, इसको भी मैं हटा के फेंक दिया है, और अब स्किपिंग रोप बाहर आने वाली है और फीलिंग कह रही है कि ये बहुत अच्छी होगी। 1, 2, 3 और देखिए, स्किपिंग रोप तो बहुत बढ़िया है जैसा मैंने सोचा था। मतलब हाँ, ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था। आगे का सॉन्ग क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। तो देखिए, स्किपिंग रोप बाहर आ गई है और दिस इज़ टू गुड। हैवी भी काफ़ी है और इसमें आपको थैंक यू नोट भी मिलेगा जैसा कि मुझे मिला है। और इसको इतना देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप इसको परचेज कर ही लोगे, और रिव्यू का भी इसमें कार्ड दे रखा है, तो मैं इसको रिव्यू में इसकी रेटिंग दूंगी 5। और इसका बैग भी बहुत बढ़िया है, आई लाइक इट। इसमें रोप बहुत ही अच्छे से रख जाएगी। अब इसकी जो क्लिप लगी हुई है इनको कट करना पड़ेगा मुझे, और देखिए मैंने कट कर दिए और रोप, वाह मजा आ गया, दिल खुश हो गया। गाइस, अब मैं इसे स्किपिंग करके देखती हूँ कि कैसी हो रही है इसे स्किपिंग। लेंथ तो इसकी बहुत बढ़िया है, आखिर 10 फिट है तो लेंथ तो काफी अच्छी है, और मेरी हाइट कम है, 6 फिट से ऊपर भी जिसकी हाइट होगी ना उसके लिए भी ये रोप सही रहेगी। मुझे इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको इसी से करके दिखा देती हूँ। काफी हैवी है, बहुत जल्दी फैट इससे कम होगा, वैसे मेरा तो फैट और ज्यादा कम हो जाएगा इससे, तो मैं वही इससे कम जंप रोप करूंगी क्योंकि फैट तो वैसे ही नहीं होते, पर मुझे स्किपिंग करने का बहुत शौक है। मैं इसकी हाइट कम कर लेती हूँ, ब्रश करना है इसको और इस तरह से यहाँ से ऊपर से खींच लो, ऐसे जितनी भी लेंथ कम करनी है। मैं इसको 9 फिट का बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने एक तरफ से ये एडजस्ट कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया मैंने, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी वरना। एडजस्ट करने का फीचर ज़्यादा ही बढ़िया है इसमें। तो देखिए, मैंने इतना इसको एडजस्ट कर लिया, इतनी छोटी कर ली है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं इसको छोटा कर लूँगी। तो मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कर लिया है, इसको 9 फिट का कर लिया है। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको इससे क्रिस क्रॉस वगैरह सारी चीज़ें। हाइट मेजर करने के लिए आपको ये देखना चाहिए, अपना जो लेग है उसको रोप पे रखिए और ये अभी भी थोड़ी सी बड़ी है, वैसे यहाँ पे आनी चाहिए इस तरह से। रखने के बाद आपकी रोप यहाँ पे आनी चाहिए, ये थोड़ी सी अभी यहाँ पे मुड़ी हुई है, लेकिन अब ठीक है, मैं थोड़ी सी बड़ी ही रखती हूँ। चलिए, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। वाव, से स्किपिंग करने में जो मजा आ रहा है ना, क्या कहूँ, आज तक इतनी रोप मैंने परचेज की, इसमें मनी तो गया बट मजा आ गया, मन कर रहा है करते ही रहो, पर गर्मी इतनी की थकान लग रही है। मैं आपको वन लेग से और अदर इस टाइप की करके दिखाती हूँ। ये सर्कल जंप रोप जो कोई नहीं करता, ये मैंने खुद अपने आप खोज लिया। ओह, इतनी हैवी
जाती है कि टॉवल पे लग गई तो टॉवल ही गिर गई। टू बी कंटिन्यू सर्कल जंप रो खोज मैंने किए इन्वेंटेड बाय मी। ओह नो पेड़ में लग गई। ओह बार बार इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक लग रहा है। लेट्स डू इट अगेन बाय मी। गाइज ये जंप रोप मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने अभी आपको इसको यूज करके दिखाया, इससे सारी तरह की स्किपिंग ट्रिक्स हो जा रही हैं बहुत ही आसानी से। और इसका बैग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसके बारे में आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ। जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपको इसमें रेटिंग अगर देखेंगे तो 4.2 रेटिंग है, यानी कि इसकी रेटिंग अच्छी है। इसका प्राइस है 449 रुपीज़ और इस रेट में ये जंप रोप बेस्ट है। और इसके हैंडल्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और एडजस्ट करने का फीचर भी, क्योंकि इसमें यहाँ से ही एडजस्ट हो जाता है, वरना यहाँ से जब एडजस्ट किया जाता है तो टाइप की रोप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं कि रोप टूट जाती है। जैसे कि रोप को जब हम आगे पीछे करके छोटा या बड़ा करते हैं तो वो फिर बार बार हो नहीं पाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसके हैंडल्स बहुत अच्छे हैं। मुझे ये दो चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे कहूँ कि आप इसको परचेज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इसकी जो लेंथ है वो 10 फिट है, आपको ये 9 फिट 8 फिट में भी मिल जाएगी। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 10 फिट की ली है, वैसे मेरे लिए 9 फिट वाली ठीक रहती, लेकिन मैंने इसको बड़ा वाली 10 फिट को इसलिए लिया है क्योंकि इससे ना जो दो लोग पकड़ के और एक थर्ड पर्सन जंप करता है उसकी वजह से मैंने लंबी ली है, तो उसके लिए ये बढ़िया रहेगी। और बाकी इसमें एडजस्ट का फीचर है, तो अगर मुझे दिक्कत लगी तो मैं इसको कट कर दूंगी। सो गाइज अगर आपको ये परचेज करनी है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।